बिहार सरकार और विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव के बीच इन दिनों काफी रोचक लड़ाई देखी जा रही है। कई ऐसे मुद्दे हैं जिस पर तेजस्वी यादव ने सरकार को कटघरे में खड़ा किया। दोस्तों, आपने प्रारंभ कर दिया देखना खबर बिहार 24, मैं विवेका। और आप अगर अब तक मेरे चैनल को लाल बटन और घंटी दबाकर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अब सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें। तो मैं बता रहा था आपको, बिहार में इसी साल चुनाव होनी है, यह तय हो चुका है, घोषणा हो चुका है, अक्टूबर नवंबर में चुनाव होनी है। लेकिन कोरोना काल में चुनाव कराना चुनौतीपूर्ण है चुनाव आयोग के लिए। चुनाव आयोग द्वारा कई प्रकार के रिसर्च किए जा रहे हैं ताकि लोग इस माहौल में भी अपना वोटिंग कर सके। बायलेट पेपर पोस्टल के माध्यम से भी वोट देने की बात कही गई है। योजना बन रही है, घोषणा होना बाकी है, लेकिन बिहार में सत्ता पक्ष के भारतीय जनता पार्टी और जदयू एक तरफ डफली बजा रहे हैं और दूसरी तरफ विपक्ष के नेता राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी यादव प्रहार कर रहे हैं नीतीश कुमार पर, और उन कमियों को गिनाने में लगे हुए हैं जितने कमियां बिहार के अंदर में है। तेजस्वी यादव चुनावी मोड में आ चुके हैं और तेजस्वी यादव को कमजोर करने के लिए कहा जाता है कि राजद के 5 एमएलसी को जदयू ने तोड़कर अपने में मिलाया और जदयू के 1 एमएलसी राजद में आए, जदयू के अन्य नेतागण भी राजद में आकर सदस्यता ग्रहण की। तो आने और जाने का सिलसिला इन दिनों पार्टियों में लगी हुई है। सुरक्षित सीट, सुरक्षित जगह खोजने के लिए पार्टी के नेतागण जगह तलाशना प्रारंभ कर चुके हैं और तेजस्वी यादव बिहार की जनता को जगाने में लगी हुई है। बिहार की जनता इन दिनों भुखमरी, बेरोजगारी से त्रस्त है, वहीं कोरोना का भय अलग सता रहा। इसी बीच बिहार में अत्यधिक बारिश होनी प्रारंभ हो गई और नदियों का जलस्तर बढ़ गया। किसानों के खेतों में पानी चले जाने के कारण किसान फिर एक बार कराहने लगे। कोरोना काल में गेहूं के फसल को काटने में अधिक परेशानी हुई और अब फिर पानी आ जाने के कारण किसानों की फसल डूब चुकी है। हर हाल में आम जनता को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा। कोरोना रूपी बीमारी पर ध्यान न देते हुए चुनावी रैली और चुनावी कार्यक्रम कैसे हो उस पर सत्ता पक्ष के लोग ध्यान दे रहे हैं, जिसका विरोध तेजस्वी यादव ने किया है। तेजस्वी यादव ने कहा है कि इस कोरोना काल में जहां आम जनता भूखमरी के शिकार हो रहे हैं, बेरोजगारी के शिकार हो रहे हैं, लोग मर रहे हैं और सरकार राजनीति राग अलाप रही है, सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच काफी प्रहार का सिलसिला जारी है, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। महागठबंधन के अंदर जीतन राम मांझी ने फिर 5 दिन का समय दिया कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाने के लिए, लेकिन जीतन राम मांझी की पुंगी बच चुकी है महागठबंधन में। उधर एनडीए में चिराग पासवान को दरकिनार करने की प्रयास करी जा रही है, लेकिन लालू प्रसाद यादव जो रिम्स में हैं वो सारे गतिविधियों पर ध्यान रखे हुए हैं और अपने तरीके से गतिविधि को ध्यान में रखकर सुचारू रूप से कार्य करने की सलाह भी अन्य नेताओं को दे रहे हैं। रघुवंश प्रसाद सिंह ने कई पदों से इस्तीफा दिया था लेकिन उनके इस्तीफा को नामंजूर कर दी गई और उन्हें मना लिया गया। साथ ही साथ रघुवंश प्रसाद सिंह जो कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे उनके
कोरोना नेगेटिव की भी रिपोर्ट आ गई है। राजद लोग परिवार के लिए खुशखबरी है। यह आप कह सकते हैं कि बिहार की अंतिम लड़ाई इस बार जो दिखाई पड़ती है महागठबंधन बनाम एनडीए फिर एक बार होनी है। और इस बार जनता का मूड बदला है, जनता हर 15 साल का हिसाब कर रही है और जनता ने मन बनाया है कि युवा पीढ़ी को आगे लाना है और युवा के संपर्क में ही जाना है। उधर नीतीश कुमार पर प्रशांत किशोर का भी प्रहार हमला जारी है। प्रशांत किशोर ने भी कहा है कि जहां एक और लोग कोरोना से पीड़ित होकर मर रहे हैं और कोरोना की जांच अधिक से अधिक होनी चाहिए, लेकिन सरकार अब कोरोना के पेशेंट को छोड़कर, कोरोना के मुद्दे को छोड़कर अपने चुनावी मुद्दे को लेकर प्रचार प्रसार कर रही है, जो अति निंदनीय नीतीश कुमार के लिए और बिहार सरकार के लिए है। तो दोस्तों, लड़ाई रोचक होनी है। जो भी समाचार आएगा मैं आपको अवगत कराऊंगा, यह स्पष्ट बात है, मैं सत्य ही बताता हूँ। और साथ ही साथ आपने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाल बटन घंटी दबा के सब्सक्राइब कर लें और लाइक वीडियो को कर दें, शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद।